तम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर श्याणे, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर देशा, माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर देशा, दंडवत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ, सतनाम धन वाखे गुरु साहिब जियो, तनाश्री महला नौवा, तेहें जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जिहें घट माह पछानो, तेहें जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेह घट माह पछानो रहाओ, पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोहो समानो, हरक सोग ते रह अतीता, जोगी ता है बखानो, चंचल मन दह दिश कौ तावत, अचल जा है ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नार मुक्त ता है तुम मानो, चंचल मन दह दिश कौ तावत, अचल जाहे ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नार मुक्त ता है तुम मानो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
परम सम्मान योग जुगोह जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। जिवें कल आप संगत नूं इह जानकारी दे दित्ती सी कि इस वरे एक तां गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा 400 साला आगमन गुरपुरब है जो सारा साल ही सिख संगत वालों मनाया जाना है और दूसरा इस वरे एक होर शताब्दी लंघ के गई है जिसनू असी ननकाणा साहिब जी का साका कहने हाँ। वो साडे पुरखियां दी ओ कालना है जिस करके जीवन तो निगरे हुए जड़े महंत लोग सन उन्हां तो गुरुद्वारे आजाद कराए गए। वो भी शताब्दी है पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे आगमन पुरब नूं सन्मुख रखदिआं गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी बाणी दी विचार ही काफी जगह ते पिछा भी दास करदा आ रहा है। अज गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा तनासरी राग विच एक तीसरा शब्द है जिस दा आप जी ने पाठ किया है। इस विच सतगुरां ने जोगी और अजोगी जोगी कौन हुंदा है उस दी डेफिनेशन ते जेड़ा सिर्फ कपड़े जोगियां वाले पाई बैठा है अंदर दी चित विरति ओदी खिंडी हुई है उसनू हजूर ने अजोगी क्या है। अजोगी दा मतलब वो जोगी नहीं। सतगुरां ने अज दे बचन विच पहली बख्शिश कीती तनासरी महला नौवां राग तनासरी है ते नौवें सतगुरां ने अपनी रसना तो यह शब्द उचारण किया है। शब्द है तेह जोगी को जुगत ना जानो तेह दा अर्थ तिस ते जोगी दा लफजी अर्थ वैसे हुंदा जुड़िया होया। मैं सिर्फ रहाओ दी तुक दे अर्थ करना फिर असी दी विस्तार सहित इस संबंधी विचार करांगे। तेह जोगी को जुगत जुगत दा लफजी अर्थ सीधा है जी जीवन जीण दा तरीका जा जीवन जीण दा ढंग। ना जानो इहदा अर्थ ना समझो ना जानो। महाराज कहिंदे उस जोगी दे संबंध विच इह गल चंगी तरह समझ लो कि उस बंदे नूं उस जोगी नूं अजे सही अर्थां विच जोग वाला जीवन कमाउण दी जुगत आई ही नहीं। सीधे अर्थ दे बनगे ते जोगी को जुगत ना जानो उस जोगी दे जीवन दा ढंग उनु जोग
कमाने ही नहीं आया। क्यों जी? कहन लगे उसका कारण लोभ, मोह, माया, ममता फुन। लोभ का अर्थ है लालच, मोह का अर्थ भी असी करने हैं, ये भी लालच दे बिल्कुल नेड़े ढुकदा है। ये प्रभु प्रेम का विपरीत लफ्ज है मोह। ते एक कोई जीव दुनिया का ऐसा नहीं जिहड़ा मोह तो मुक्त होवे। सतगुरां ने शब्द वरते ने गण गंधर्व देव मनुखं पश पंखी विमोहन है। इस नूं सतगुरु ने जदों सलोक सहस्कृति दे अंदर पंज वकारां दा एक एक दा जिक्र कीता ते सब तो पहला सतगुरां ने मोह दा जिक्र कीता। उत्थे श्लोक हे अजित सूर संग्राम संग्रामं अत बलना बहु मर्द ने। उत्थे हजूर ने शब्द वरत्या गण गंधर्व देव मनुख पस पंखी विमोहन है। हे ना जिते जान वाले मोह सूर में तू बहुत बलशाली है। ते जेड़े आदमी अपने आप नू शरीरक तौर ते बहुत बलवान ताकतवर सच्ची मुची बड़ी शक्ति वाला समझते ने, हे मोह तू ताकतवर बंदिया नू भी मल के रख दिता है, उन्हां दी भी पिठ ला दिती। कले इंसान नहीं, गण गंधर्व देव मनुखिंग देवते देवत्यां दे रागी उन्हां दे सेवादार पश पंखी बेमोहन है। सच एवे कि जिहड़े पशु ने उन्हां नू भी मोह अपने वस करी बैठे है। ते आसमान विच उड्डन वाले परिंदे भी मोह दी पकड़ दे विच ही हन। तो उंज वैसे मैं पिछले दिन कहा सी कि जेकर मोह ना हुंदा ते शायद संसार दा अज इस तरह दा आपसी रिश्ता ना दिसदा। मोह केवल साडे च नहीं, आप जी कदी ध्यान नाल देखो निक्की जी कीड़ी है, रब ने उहदे अंदर भी अपनी संतान दे पति मोह दी चिनग रखी हुई है। आलने विच बैठे पंछी ने उन्हां अंदर भी मोह है। ते कई बारी असी देखने हां कि असल च पंछी मां भी एक ओ है जिहड़ी आप सड़ जांदी है पर कदी भी अपने आंडे अपने बच्चियां तो दूर नहीं जांदी। परमात्मा ने मोह सब च पैदा कीता है। हजूर ने इत्थे जिहड़ा शब्द वरत्या कहन लगे उस जोगी नूं सही जीवन जीण दा ढंग नहीं, मत समझो उहदी जुगत ठीक है। मैं फिर अर्ज करां जुगत दा अर्थ जीवन जीण दा तरीका, क्योंकि उहदे अंदर लालच है, उस अंदर मोह है, उस अंदर माया दी ममता पकड़ है। लोभ मोह माया ममता फुन जे घट माहे पछाणो। ये घट का लफ्ज ही अर्थ है खिरदा। उंज बाणी के अंदर घट का अर्थ थोड़ा भी आया है, घट का अर्थ घड़ा भी आया है, तो घट का अर्थ खिरदा भी आया है। महाराज कहने जिस जोगी के अंदर समझो कि लालच है, मोह है, माया की ममता है, भावें वह जिन्ना मर्जी बाहरों लिबास बना के जिन्ने मर्जी वह अपने आप अडंबर करे, गुरु तेग बहादुर साहब कहते सच एवे कि उस बंदे ने घर तो छड़ दिता पर उन्हूं जोग कमाण दा सही जीवन दा ढंग आया ही नहीं। सीधे जे अर्थे दे हुण इहदा मैं एक बेनती होर करांगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच बेअंत शब्द ऐसे ने जिहड़े जोग साधना दे नाल संबंधित ने। भावें अज कल उस चीज़ का प्रभाव सानू इन्ना नज़र नहीं आ रहा, ऐ जे एक्सरसाइज साढ़े शरीर की तंदुरुस्ती लिए वो आसन जड़े ने वो कुछ हद तक सहायक ने, पर जिमें गुरु नानक साहब जी तो पहला गुरु नानक साहब तो वेले इतों तक गुरु गोबिंद सिंह जी तक इस योग मत ने लोगों बहुत प्रभावित किया। इतों तक कि राजियां दे पुत्र राज भाग छड़ के फकीर जोगी बन गए। थोड़ा जा मैं आप जी नूं सिर्फ कुछ बेनतियां करनियां ने कि आप बाणी पढ़न वाले बैठे हो, तो एक अर्ज एक है कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च एक बारी मैं अगे भी कहा सी ये न्यारापन है बड़ा, जो परिभाषा जां इउं कह लो जिन्ना स्पिरिचुअल रूहानी शब्दां दी व्याख्या डेफिनेशन गुरु ग्रंथ साहिब ने दित्ती है
कई बार सानू ओ शब्दां दी परिभाषा बाहरों पढ़न नू नहीं मिलती, जिवें उहदे दो पक्ष रखे आ। अज दा शब्द है एक पक्ष तां रखे जिन्नू जीवन जीण दा तरीका नहीं, महाराज कहिंदे ओ काहदा जोगी, ते दूजा पक्ष रखे भी असल च जोगी मुक्त हुंदा ते जिहड़ा मुक्त जोगी है उहदे जीवन की है, उह असीं अगलियां तुकां च वचना है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च मैं अक्सर बेनती करना हुन्ना कि जिहड़े शब्द असीं रूहानी वरतने हाँ उहनां दी परिभाषा गुरु ग्रंथ साहिब च पई है, पर उह भी परिभाषा उन्नी देर तक सार्थक नहीं होवेगी जिन्नी देर तक अमली जामा ना पहनाया जाए। परिभाषा तो है, जिवें हुण पिछले दिन मैं करसत कीती, शब्द है गुरु, असी गुरु शब्द वरतने, सतगुरु शब्द वरतने, थोड़ा जिहा गुरमुख ध्यान दिया जी। गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर गुरु शब्द की परिभाषा जिहड़ी दित्ती है वह भारत में जिहड़ा गुरु लफ्ज़ की परिभाषा है उहदे तो वक्री है। उंज आप जी देखो उत्थे गुरु शब्द हर उस बंदे लई वरत्या जांदा जिहदे कोल दुनियावी गुण भी होवे। कई बारी पढ़े लिखे पुराने संप्रदाय सज्जन कहिंदे सन ये मेरा विद्या गुरु है। जिस बंदे कोल ड्राइवरी सीखी होनी, हुनर सीख्या होना, उहनूं भी कहिंदे सन ये असल च मेरा गुरु है, मैनूं ड्राइवरी का हुनर इहने सिखाया। जे वर्कशाप विच काम करना तो उन्होंने समझ पै जानी, कह देना ये मेरा असल च उस्ताद है, मेरा गुरु है, इवें मैंने सिखाया है। मैं सीधी बेनती करा कि दुनियावी हुनर दुनियावी काम भी जिदे तो सीखे जाते सन वो शब्द वरत्या जाता सी ये मेरा गुरु है। पर गुरमुखो एक गुरु रूहानी विद्या देने वाले नूं कहिंदे आ। जदों गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने हैं तो मैं बेनती करना हुन्ना कि गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु शब्द सतगुरु शब्द इहदी परिभाषा बाणी चो लभण दा यतन करके, जदों असीं बाणी चो शब्द पढ़ां, कल भी मैं आप नूं शायद इत्थे कहा कि पिछे कथा करदिआं मैं कहा सी कि मेरा मन है टाइम नहीं मेरे कोल इन्ना हुंदा क्योंकि समा इन्ना है नहीं। गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब च हज़ारां प्रश्न ने, हज़ारां मैं कह रहा, उन्हां हज़ारां प्रश्नों के उत्तर भी गुरु ग्रंथ साहिब च ने। जे तुकां विचों प्रश्न ते तुकां विचों उत्तर लभ जाण, आपां मेहनत है हज़ारां परिभाषावां हज़ारां प्रश्न मिलणगे, ते जिहड़ा बच्चा एक वारी उस किताब नूं पढ़ लेगा याद रखे उहनूं अर्थ अपने आप ही समझ पै जाणे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब च प्रश्नोत्तरी है। आप पाठ कर दिओ, जपजी साहिब का पाठ कर दिओ, सब तो पहला तो प्रश्नोत्तरी पहली पौड़ी च है कि वह सचियारा होई है कि वह कूड़ा टुटा पाल, ये क्वेश्चन है। यदा उत्तरे हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना है, नहीं प्रश्नोत्तरी। हुण जिवें नानक सुहागन का क्या चिन्ह है, ये प्रश्न है, तो अगे का उत्तरे अंदर सच मुख उजला खसम माहे समाए। अगली बेनती एक नहीं सहज पाठ करद्या नोट करिया करिए, आप भावें कथा नहीं भी करनी, हो सकता आप दी नोटबुक राही किसी होर दा भला हो जाए। जिवें एक हुण एक प्रश्न है कि भरिए हाथ पैर तन देह, इहदा उत्तर है पानी धोता है उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए जे कपड़े मैले नाल भरे जाण, दे साबून लईए ओ धोए, भरिए मत पापां कै संग, इहदा उत्तर है वह धोपै नाम है कै रंग। एक होर शब्द तुसी पढ़ दो, एक बाबा फरीद साहब का वह क्वेश्चन है, चलो मेरा विशा नहीं कभी फिर समा मिलेगा आपां इहनूं खुल के, बड़े प्रश्न ने वह बचन है कवन हजूर का बचन है, कवन सो अखर कवन गुण, कवन सो मनिया मंत, कवन सो वेसो हौ करी जित बस आवै कंत। किन्ने सवाल बन गए जी, दे सिर्फ दो तुकां दा पाठ मैं कीता है। कवन सो अखर, वो कौन से अक्षर हैं जिदे बोलन नाल मेरा पति परमात्मा रब जी वस विच हो जाए। कवन गुण, वो केड़ा गुण है जिन्हों मैं धारण करा, केड़ा श्रोमणी मंत्र है जिहड़ा अपनी जबान तो बेलां बोलां, ते मैनूं दसो केड़ा मैं लिबास केड़ा मेकअप वेशदर्थ, यही है ना जी अजकल जिन्हों मेकअप शब्द कहते वेश वेशभूषा। कवन सो अखर कवन गुण कवन सो मनिया मंत,
कमन सो वेसो खाऊं करी जित बस आवे कंत। चार 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 सवाल ने, वेश वे सवाल दे आ गए। अगे फिर एदा उत्तर है निमन सो अखर, यह सवाल है कवन सो अखर, निमन सो अखर खवन गुण। दूजा सहारना गुण है जेबा मनिया मंत, जबान तो मिठा बोल इदू वड्डा कोई श्रोमणी मंत्र नहीं। ये त्रै भैने वेस कर ता बस आवी कर। देखो सवाल है उहदा नाल उत्तर है। होर सौखा जपजी साहब च एक प्रश्न होर हुंदा है, कवन सवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार कवन सिरुती महा कवन जित होवा आकार। वेखो मैं ये नहीं कि कोई अपनी विद्वता झाड़ रहा, मेरी इच्छा है भी सतगुरु तू सेवा लाई है ईमानदारी नाल कर सकीए। हुण ये किन्ने सवाल ने, वो वेला केड़ा, वो वक्त केड़ा, वो रुत केड़ी, वो महीना केड़ा, हफ्ते का वार केड़ा, जिदन सारा संसार बनिया सी। कवन सवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार कवन सिरुती माँ कवन जित हुआ आकार। फिर अगे गुरु जी ने अजे उत्तर नहीं दिता, वेल ना पाइया पंडती जे होवे लेख कुरान, वक्त ना पायो कादियाँ जे लिखन लेख कुरान, थित वार ना जोगी जाने रुत महा ना कोई। अजे प्रश्न उत्थी खलोता है, पर देखो एक तो कुछ उत्तर दे देता महाराज, कमाल कर दिती ते सतगुरां ने। हजूर कहिंदे ने कि थित वार ना जोगी जाने रुत महा ना कोई, इहदा उत्तर की है? कहन लगे इन्ने सवालों का इको उत्तर है, जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई। गुरमुखो किन्ने प्रश्न अद्धी तुक दे विच सतगुरां ने सानू उत्तर दे दिता। मैं इस करके थोड़ा जिहा आप जी का ध्यान ले जाना चाहना, गुरु ग्रंथ साहिब विच उसे शब्द का खंडन किया जाता है, उत्थे शब्द की पूजा की जा रही। सुनियो शब्द है, मैं वरत्या गुरु, गुरु शब्द बहुत थावां ते वरतने आ, पर गुरु ग्रंथ साहिब जदों सतगुरु शब्द आउंदा है, गुरु शब्द आउंदा है, उत्थे सतगुरु एक तां इन्ने उच्चे दर्जे की गल करदे आ। गुरमुखो जदों असीं पाठ पढ़ने आ कि नानक सोधे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद, परमात्मा विच ते गुरु विच कोई अंतर नहीं, एक मिक ने मिले हुए ने। सतगुरां ने एक बचन होर किया, हसूर का एक बचन है कि सतगुरु असल च सत पुरख च अभेद है, उहदा जिहड़ा साकार रूप है वह सतगुरु है। क्योंकि जदों असीं भट्टां नूं पढ़ने हाँ, इस गल नूं बड़े बरीक तरीके नाल खंडन किया जा रहा है साडे च, ते जिहड़ा बंदा बाणी पढ़ेगा वह समझ जाएगा बंदा बोल की रहा है। जदों गुरु शब्द आउंदा है, सतगुरु शब्द आउंदा है, जदों गुरु साहब जी की सिफत दे बोल हुंदे आ, कई बार असीं नूं वला वलू के अंदर नहीं मानदा हुंदा उहनां दा, वला वलू के उहनूं होर अर्थ जिहा कर जांदे आ। पर मेरे मन च एक दिन आया कि जदों आप जिहड़े गुरमुख पाठ करदे आ, शलोक सहस्कृति समाप्त हुंदी है, पहला गुरु नानक साहब दे शलोक, फिर गुरु अर्जुन देव दे शलोक, उस तो बाद गाथा आ जाती। जिहड़ी ये सहस्कृति है ये संस्कृत नहीं, याद रखियो ये संस्कृत नहीं, ये सहस्कृति है, ये संस्कृत तो बाद है। जिहड़ी गाथा बाणी आप पढ़ने आ, गाथा भी एक भाषा है, असल च सहस्कृति जिहड़ी गाथा है ये बोध इज़म जिहड़ी बोली गई बोली पाली, जिहनूं पाली भाषा कहिंदे ने, उहदे नाल मेल खांदी है ये संस्कृत जिहड़ी है। ये मैं इस करके फिर मैं दोहरा देंगा कि गुरमुखो हाथ जोड़ के बेनती जे, जिथे असी कहने बार मुखी सिक्खी नूं बचा लो, केस बचा लो, रहत बचा लो, हाथ जोड़ के बेनती जे गुरु ग्रंथ साहिब के अर्थां नूं भी बचा लो। इधर साडा तवज्जो कोई नहीं, उहदा कारण है क्योंकि जदों असी बाणी पढ़ ही नहीं रहे। एक बच्चा तुहाडा साडा पढ़न जांदा है, जे बच्चे ने 12 साल पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, जो टीचर जो उस्ताद जा मास्टर जो लैक्चरर बोलेगा उन्हें समझ पाएगा। तो जे एक बच्चा सिर्फ नर्सरी तक सीमित रहे तो वो कुल PhD वाला आके लैक्चर देन लग पे, खिमा करो वो नर्सरी च बैठा हुआ कहेगा पता नहीं की बोल के चला गया, साढ़े तो समझ ही कुछ नहीं पिया। अज दो खेस चीज है,
इन्हां गल्लां दी समझ तां पैगी जे खुद बाणी पढ़ी होवेगी, सारे नहीं। मेरा ख्याल सिखां विच 99% सिख ने जिन्हां नूं पूरे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ब्योरे दा पता ही नहीं, बाणी ब्योरे दा कोई पता नहीं, किन्ने राग ने, किहड़े गुरु साहिब ने किन्नी बाणी उचारण कीती, किस किन्ने उप राग ने, केड़ियां केड़ियां भाषावां वरतियां, इह तां बड़ी गल है। मेरा ख्याल साडे बंदियां नूं इत्थों तक कि गुरु ग्रंथ साहिब विच आए हैडिंग दे बारे भी पता नहीं, पर असी कहने नहीं जी असी गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसे नहीं मनते। ना मनीए एक होमे का प्रतीक भी है ना, जिन्हों मनते हुए उहदे बारे फिर जानना भी चाहिए, उहनूं जाण रहे असी। मैं सिर्फ जिहड़ी बेनती आप नूं कर लगा, देखो गुरु शब्द है, मैं कह एक जगह तो सत्कारत शब्द है, एक जगह तो पखंड की व्याख्या भी कर रहे। जिमें हुण एक बचन हुंदा है, मैं उन्हें तुहानूं कहण लगा पट्टां दे सवैये ने, आप सब नूं पता है भी बाबा सलोक कबीर जी फरीद जी तो बाद पट्टां दे सवैयां तो पहला भाई साहब नूं बैठे एक सवैये हुंदे ने मुख वाक सवैये, पंजवें गुरदेव दे। हाँ जी, वह दो हैडिंग ने, एक सवैया विच तां गुरु अर्जुन देव ने नरोल सिफत गुरु नानक साहब की की, उदों बाद पट्टां दे सवैये शुरू हुंदे। मन च बड़ी बारी आया, पर मैं वो जो सवाल आया मैं कभी उन्हें नैगेटिव च नहीं लिया भी मेरे गुरु गलत किया, अपने मन में समझाना चाहिए। पर पाठ करदे आ इन्नी कोई गुरमुख प्यारियां तो समझ पई कि असल च गुरु नानक साहब का कोई सवैया नहीं, गुरु अंगद साहब के सिर्फ श्लोक ने, गुरु अमरदास का कोई सवैया नहीं, गुरु रामदास के कोई गुरु अर्जुन देव ने अपने सवैये पहला क्यों दर्ज किए, भट्टां दे सवैये बाद विच आउंदे आ, उह गुरमुख कह रहे सन। इस करके कि सिखो भट्टां दे सवैये पढ़न लग्गिआं तुहाडे मन च किते फुरना ना उठ जाए कि भट्टां ने स्पष्ट कहना निरंकार का जिहड़ा आकारक है उहदा नाम धन गुरु नानक साहिब है, प्रतख देह का नाम गुरु रामदास है। जिवें असीं बाबा जी की बाणी का पाठ कर रहे हैं, प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण भरनंग, गुरु अर्जुन साहब ने पहला बचन कहा जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने, हां के बल 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 सत बलहार। कहिंदे गुरु नानक साहब रब का प्रतख स्वरूप है, ब्रह्म समसर है। मेरी एक जबान गुरु नानक साहब दियां किन्नियां कु सिफतां कर सकती है। उस तो बाद फिर पट गुरु नानक साहब की सिफत करन विच कमाल कर देंदे। मैं फिर बेनती करांगा कि गुरु शब्द कह, चलो आना आपां इहदे शब्द च, जोगी जोगी नूं संबोधन कर रहे गुरु तेग बहादुर साहिब। हुण एक पासे गुरु बारे कहा गया कि नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहि तारे, सीधे अर्थ ने। ते ओही गुरु शब्द बारे कल होर तो के कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते भरम ना जाए, आप डूबे चौबेद में चेले दिए बहाए गुरु लवे, तो उत्थे भी आया। हुण उत्थे गुरु दे अर्थ कर लग्या कोश कम नहीं करेगा, उत्थे सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब दी तुक कम करेगी किस संदर्भ विच गुरु शब्द वरत्या है। यही कारण मैं कहना हुना एक लफ्ज पकड़ के कहो जी इहदे अर्थ सानू दसो, कोई विद्वान नहीं दसेगा। गुरु ग्रंथ साहिब की कोई शब्द लोगे वह कहेगा पहला मैंने तुक दस के सुना एक केड़ी तुक विचों तू पूछना चाहना। यही कारण गुरु शब्द बलिहार लई भी है माए मुंडो भी है। हुण शब्द है संत ते गुरु ग्रंथ साहिब की परिभाषा कबीर साहब जी लै लो, तुसी उन्हां दा एक बचन गज साढ़े तह तह धोतियां तेहरे पायन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे खत निबग ओ खरके संत न आखियां बाह नारस के ठग क्या। हुण ओही महापुर कहिंदा संतां को मत कोई निंदो। फिर बेनती हरके संत न आखियां ऐसे संत न मोको पावें, ते ओही भगत कह रहा नहीं हो भाई संतां दी निंदिया मत करो संत राम है एको। ओही महापुरख बाणी च कह रहे ने। मेरे सिर्फ कहन तो मुराद ए वे कोई शब्द भी लफ्ज़ भी बाणी चो आए उन्हों पहला पड़चोलीए वह किस संबंध में गुरु जी कह रहे हैं। हुण अज शब्द आया जोगी, सतगुरां ने शब्द वरत्या उस जोगी नूं
ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਯੋਗੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਗ ਬੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਯੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਆਸਾ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਸੂਹੀ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਰਾਮ ਕਲੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਧੂਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਵਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਗੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬਲੋਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਪੀ ਖੱਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਬਭੂਤ ਸਵਾ ਮੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਲ ਉਹਦੇ ਗੋਦੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਖਿੰਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੋਦੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਸ ਭਾਰ ਹੀ ਢੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਰਿਮਾਇੰਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਪਰਨਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ ਦੇ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਗੰਢ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਸੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੰਢ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਗੰਢ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਆਣਾ ਪਿਓ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਝੱਗੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੰਢ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਗੰਢ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਵਾਈਆਂ? ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਬਿਭੂਤ ਕਿਉਂ ਮਲੀ? ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਹਾਨੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਉਹਦੀ ਪਦਤੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਕੂਪੈਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਬੋ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
जिहड़ा कन्न दा पर्दा जे नूं छेद कर दिओ ते दिमाग ते असर करना घट कर दिंदी है। उंज वी कोई लोग कहिंदे जदों बंदा गुस्से च बहुत होवे कुछ ना सुझे, कुछ लोग कहिंदे मैं उहनां दी गल कर रिहा याद रखिओ, वह कहिंदे कन्न दी करुंबली नूं बंदा मसण लग पए तां गुस्सा ठंडा होण लग पैंदा है। उहने अपने ढंग नाल कहा गेरवे रंग दे कपड़े अग रंग दे कपड़े पवाए, उहदे कोई अर्थ सन जिहड़े अज सिर्फ अज उह कपड़ा सच्ची मुची हिंसा दा रूप धारण कर चुका है। वह इस करके सी जिवें अग दा रंग है वह जे कपड़े ने अग हर मैल नूं साड़ दिंदी है, इहदे च कोई वासना नहीं रह गई, ये गेरवे रंग दे कपड़े पा के शुद्ध हो चुका है। पर मैं क्या अज अर्थ गवा चुके हैं। उन्हें हथ चिप्पी पकड़ाई कि आ लोगों के बूहे अगे जा के मंगना, उंज जोगी आवाज देंदे हुंदे सन अलख निरंजन, मैं बेनती कहता सुनी मैंने ने पर बोधि जम नहीं कहता, क्योंकि अज का शब्द जोगी नाल संबंधित बोधि। अज भी मैं थाईलैंड कथा करन जाना, जो कित सवेरे जाइए वो एक बारी मंगन हुंदे आ बोधि, वह बोधि बूहे अगे आ खलोवेगा कुछ नहीं बोलेगा, चिप्पी वो हाथ च वो ध्यान च खलोता होगा, परिवार की मर्जी है वो चिप्पी च कोई मिठा पा दे, कोई सलूणा पा दे, कोई रोटी पा दे, नहीं कोई पाएगा वो चुप होया अगे चला जाएगा, वो बोलता नहीं जोगी। मैं तां कह इदियां जड़ां जोग मादियां बोधि जिम च ने, ते ए जो कुछ मैं बोल रहा गुरमुखो सब कुछ गुरु ग्रंथ साहिब च खजाना पिया होया। हुण उस वक्त उन्हें चिप्पी पकड़ाई दा मतलब यह सी राजयां दे पुत्तर ने ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਭਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਰ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ ਨੰਦਰਦ ਹੌਮੇ ਮਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਿਖਾਰੀ ਪੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਐ ਪਾਏ। गुरु ग्रंथ साहब कहते दरवेशी को जान सी विरला को दरवेश, जे घर घर खंड है मंगदा त्रिग जीवन त्रिग वेस, ओदा मंगना भी तरकार योग, ओदा कपड़ा भी तरवार योग, जिहड़ा घर घर विच मंगदा है। सिख दा हथ सिर्फ गुरु अगे इस तरह हुंदा है, किसे बंदे अगे नहीं हुंदा, संसार विच तेदा हथ एवें ही रहिंदा है, यह वंडदा है, अज भी वंडदा है। पिछले दिन मैं एक होर बेनती की, देखो असी कहने भी ये फलानिया बंदिया इंडिया च इन्ने मंदिर ने, मैं दखन च कथा कर जाना सिखा कोल तो वो बराबर पैसा कुछ भी नहीं, अरबा खरबा में शब्द वरतां तो थोड़ा है। असी कही जी सिखा दे पैसा बड़ा कम, वो प्यारे हो इस गलू मन चो कढ़ो, तुहाडा पैसा कम नहीं कर रहा, तुहाडे पिछे गुरु नानक की बख्शिश कम कर रही है, गुरु गोबिंद सिंह का तेज प्रताप कम कर रहा है। उन्हें कहा खीसा तो मेरा होवेगा ते हाथ तेरा होवेगा, जिदा खीसा है उहदे च कमी नहीं आ रही। इस करके जदों असीं गुरु नूं पासे करके कहीए नहीं जी साडी नहीं नहीं लोकां कोल बड़ा पैसा है, गोरियां कोल तुहाडे कोल इत्थे रुपया घट है, किन्ना पैसा है ना मुल्कां च, नहीं देन दी ते सेवा दी दात सिर्फ गुरु नानक साहिब ने अपनी कमाई चो दित्ती, जिहनूं भाई साहिब ने कहा भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरसों बनियाई, जिहड़ी भारी तपस्या कीती वह केवल अपने घर तक नहीं रखी, वह सारे समाज में वंड दित्ती है। मैं फिर आप नूं बेनती करा चिप्पियां ये बस्तर, फिर उन्हें कहा भी तू गोदड़ी खफनी पानी, खफनी पाते ने जोगी क्यों पानी है, बभूत क्यों मिलनी। मैं ये अर्थ कर रहा पॉजिटिव अजे कि जदों शुरू होया उदों अर्थ की सन, इहदा मतलब सी चिप्पी पकड़ी तेरा हंकार मरेगा, सिर्फ तू साधना करनी, तू जीव दे चस्के नूं त्यागना, तू ये नहीं कहना कि अज मैं मंगण आउणा ते फलानी सब्जी बना के रखियो, तेरे चिप्पी च मिठा पै जा कौड़ा पै जा, तू जीव दे स्वाद तो मुक्त हो जा, क्योंकि तू गेरवे कपड़े पाए हुए। उस तो बाद तू खफनी क्यों पा दित्ती गोरखनाथ ने, उन्हें इस करके खफनी पवाई कि हंकार ना करी, जिदन दुनिया तो तुरना तेनू इस कपड़े विच लपेट के तोरना। लोगों गुरु साहब दे अर्थ करंगे बड़े डूंगे। उस तो बाद पिंडे ते राह क्यों मली, इहदा मतलब यह सी कि जिहड़ा पिंडा तेनू अज दिस रहा वासना वल प्रवृत्त करदा, याद रखी अखीर इस पिंडे ने सड़ के सिर्फ
ਸਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਰਮੁਖੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਮਾਰਥ ਘਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਰ ਤੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਸ ਰੁਖਾਨੀ ਪੰਧ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਕਤੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਦੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਬੇਸ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਗੋਦੜੀ ਚਿੱਪੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਰੋ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜੋਗੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਤੂੰ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬਲੋਰੀ ਬਲੋਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ, ਸੰਤੋਖ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਪਰ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਖੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਿੱਠੀ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਸਬਰ ਦਾ ਅਰਥ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੋਖ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵਰਜ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਮਝੀਏ ਇਹੀ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵਰਜਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਦਾ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਕਾਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਪੀਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰੋੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ 'ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸੀਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਦਾਲ ਸਾਰੀ 'ਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ
पुरातन गुरु सुनते चलो देख बना दे भी हसी जाते नाले गल्लां करी जाते नहीं सी मूँ जे अज हम सारे लाई बैठे ना मास्क यदा हूँ कारण हो गया ना भी अदृष्ट चीज दूजे तक पहुँचती है उस वक्त तो गुरसिख जिहड़े सन देख बनांदे आ वी मूँह ढक के सिर्फ बाणी पढ़ते होंदे सन वो बीबी चंगी कमाई वाली सी नौकरानी उन्हें जी मस्ती च भोजन तैयार करता दरवेश खान आ गया जदों उन्हें पहली कोर बुरकी तोड़ी मूँह च पाई सलूने ला के तड़प उठ्या कहिंदा ये खाना किन्ने पकाया मैं तां तेरे घर स्पैशल आए ने घर छड़ के उन्हें कहा मेरी इस नौकरानी ने कहिंदा खाने दे विच सलूने विच लून नहीं उस बंदे ने उस वक्त फिक्का बोलना शुरू कर दिता उस बीबी नूं तैनूं बुला कहिंदा तैनूं मैं कहा सी दरवेश लई खाना तैयार कर ते उन्हें हाथ जोड़ के कहा मालक मैं दरवेश लई कीता है ते उह कहिंदा दरवेश तां कह रहा है कि इहदे विच लून नहीं अगो हस के कहिंदी इह दरवेश कोई नहीं हूं जिहड़ा अजे जीव दे सवाद तों मुक्त नहीं होया इह रब दी इबादत च कित्थे जुड़िया कौन है जे तू कहिंदी मैं जीव दे चस्कोले री जीव दा चस्के विच परविरत लई रोटी त्यान करनी मैं उस तरह कर दी तू शब्द दरवेश कहा सी ते कहन लगी ओ बाबा जे लून कोई नहीं पिया ते अंदरों सबर दा फुरना पाले ते रोटी अमृत बन जाएगी मैं बेनती करा संतोख शब्द सच ए वे जदों किसी अंदर संतोख वरद जांदा है संतोख ही शांति लैके आउंदा है संतोख तो बिना नाम अमृत भी नहीं टिकदा आ दरबार साहब जिहड़ा अमृत सरोवर तुसीं देखियो जदों सेवा हुण भी होई वाटर ट्रीटमेंट दी कीती 84 च भी होई जदों गार निकल जाएगी थल्यों मिट्टी तो शुरू होंदी है उत्थों तुहानूं स्कारसे वाले रोक देंदे आ मिट्टी ना पट्टियो क्यों रोकदे आ क्योंकि वह गार तो थले जिहड़ी मिट्टी पई वह संतोख सर दी है हिस्टरी साडी संतोख सर पहलां बणिया अमृतसर बाद विच बणिया अमृत सरोवर दे अंदर जिहड़ी मिट्टी पई वह संतोख सर दी पई क्योंकि पहला पानी जदों सरोवर छड्डिया ते खुशक हो गया गुरु ने कहा संतोख सर दी मिट्टी पाओ नाल कह दिता सिखो संतोख सर दी मिट्टी पई ते जल रुक गया है जदों अंदर वाले सरोवर च संतोख आ जाएगा ते नाम जल जरूर रुकेगा गुरु ने पहली गल की जोगी तू कन्ना विच मुंदरा पाईया ने ते संतोख दियां पा थोड़े जे बेनती सुने मुंदा संतोख अगला शब्द है शरम पत झोली इहदे अर्थ दो कीते ने साडे विद्वानां ने एक ना ने शर्म दर्थ किया लज्जा लज्जा शर्म एक ना ने हिंदी का शब्द लिया श्रम जिथों एक शब्द बनया परिश्रम उत्थे श्रम का अर्थ हुंदा मेहनत एक ना ने अर्थ किया भी जे तू झोली पानी है तो मेहनत दी पा परिश्रम कर पर आ भी शब्द ढुकदा है शर्म पत झोली पत दर्थ पात्र झोली दर्थ बगली बगली कहिंदे हुंदे सन झोली गल च कहिंदे ने वेख तू वकारा वालों लज्जा कर किसी के घर कोर मंगन नहीं जाइदा हुंदा इहदी झोली पा मुंदा संतोख शर्म पत झोली ते सवाह कहिड़ी मिलनी है क्योंकि पैर दे अंगूठे तो लैके सिर तक पूरे पिंडे ते चमड़ी ते तू सवाह मिलिए ध्यान की करें विभूत प्रभु दे ध्यान दी विभूति ला ध्यान की करें विभूत खिंता काल आ गोदड़ी पा के तेनू ते उन्हें कहा सी मौत चेते रखी एक दिन खफन पैना है तेनू गोदड़ी सिर्फ चेते रह गई गोदड़ी लोग पूजन लग पे कहन लगे जे गोदड़ी पानी है ते मौत दी गोदड़ी पा तेनू मौत चेते आ जाए एदू वड्डी गोदड़ी कोई नहीं देखो अर्थ आ कीते जोग माते बाबा जी ने मैं कहना जोगी जी ने पाए ने आ अर्थ पढ़े तो सतगुरां दे चरणां चुफाल डिगेगा हे सच्चे पातशाह ही अर्थ कह दे कमाल दे मुंदा संतोख शर्म पत चोली ध्यान की करें विभूत खिंथा काल कुवारी काया इत्थे मैं एक बेनती करा कुछ सज्जना ने इहदे अर्थ किते आ कुवारी काया जुगत इत्थे विश्राम लाया पाठ दी सुनदे हो कईआं ने पाठ जिहड़ा चलदा प्रचलित है जिहड़ा लय विच भी है खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत
जुग तो ना पिछे किता ढुकदा भी इस तरह। तू मौत नू चेते रख, एदू वड्डी खफनी कोई नहीं। कुवारी काया इहदा मतलब यह नहीं कि विआह नहीं होना। कुवारी काया, कुवारी शब्द पवित्रता का चिन्ह है। जिन्हों किसी ने स्पर्श नहीं किया वह कह लगे हो भलिया जिमें एक कुवारी काया कोई वासना ने स्पर्श नहीं किया, सच्ची मुची अंदर नू पवित्रता विच रख, यही तेरी कुवारी काया है, वासना तो मुक्त रहे। कुवारी काया फिर जी जुगत डंडा प्रतीत, सिदक भरोसा, जुगत जीवन जीन का ढंग। मैं दे अर्थ यूं करांगा, इस जुगत ने सारिया तुकां दे अर्थ कर दिते। संतोख दी मुंदरा, मुंदा संतोख शर्म पत झोली, ध्यान की करें विभूत, खिंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत। आ ही जुगती जीन दी, ते अपने हाथ जोगी डंडा रख दे सन, रब उत्ते पूर्ण प्रतीत रख, एदू वड्डा डंडा कोई नहीं। मैं आपको बेनती करा गुरमुखो, एक है जोगी की परिभाषा। हूँ अगला है जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती। जिमें अपनिया संप्रदावान ने ना, इस तरह जोगियों के बारह फिरके ने, बारह इदा के पंथ ने। इन्हों जो श्रोमणी पंथ है ना, उन्हों आई कहिंदे आ। आई पंथी सगल जमाती, सगल जमाती का अर्थ है सारी दुनिया नू एक रब दे बनाए हुए। सगल जमाती उच्चा नीवा ना समझ, यह इको ही जमात है, इको जहे ने। जो सारी मानवता नू एक रब की बनाई समझेगा ना, उदन चेते रखी तेरा पंथ सब तो श्रोमणी हो गया, तू आई पंथी हो गया है। आई पंथी जिनू मानस की जात सब है, आ तू आई पंथी बनेगा। सब मैं जोत जोत है सोए तिस द चानन, सब मैं चाहू। अज भी अं बैठे घर गल कर रहे थे, जदों जात पुछोगे, जदों बोली पुछोगे, जदों पहरावा पुछोगे, उदों लड़ाई पैदा होगी। जदों जोत पुछोगे उदी कोई लड़ाई नहीं होगी। जाणो जोत ना पूछो जाती। महाराज कहिंदे आ नुकता हर मुल्क च लागू हो जाए। तू रब की जोत देख, काला मत देख, गोरा मत देख, एशियन मत देख, अरबिक मत देख, तू अफरीकन मत देख, तू एदी जात ना पुछ, एदे अंदर वर्त दी कोई जोत पुछ। आ गुरमत दा ऐसा असूल है जिहड़ा पूरी मानवता दा पड़ा मंगदा पिया है। फिर मैं बेनती करा, आई पंथी सगल जमाती, सगल जमाती किवें बणांगे? महाराज कहिंदे मुंदरां पा के नहीं, मन जीता है जग जीत। जिद्दन तू मन दीआं वासनावां नूं जित लिया, जिन्हें मन जित लिया उन्हें जग जित लिया, जिहड़ा मन तो हार गया उह सब कुछ हार गया। आई पंथी सगल जमाती, मन जीता है जगजीत मन। गोपी चंद उहदा जिक्र भी आउंदा है अपना जी, सौ साखी च उहदा जिक्र आउंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच भी शायद मेरा खो शब्द वरत्या जाता है। एक बारी आनंदपुर साहिब इस तरह जिवें असीं बैठे हां, कीर्तन हो रहा सी, कथा हो रही सी, रागी सिंघां ने किते गोपी चंद दा प्रसंग सुना दिता। जिमें अजकल टोकन की आदत जी बन गई ना, चलो उदो टोकते नहीं सन। मैं पिछले दिन भी कहा, वाहगुरु जी सैमीनार ते संगत च बड़ा फर्क हुंदा है, संगत च अगर ने सुन लो खलो के टोकी दा नहीं हुंदा, नहीं चंगा लगता, संगत दे असूल हुंदे ने। कोई ये गुरु साहब का प्रकाश है, वह बाहर आया तो गुरु साहब को सिंघा ने बेनती की, सिखा ने महाराज कुछ कुछ सन, देखो जी ये गुरमत तो दूर चला गया, गोपी चंद का प्रसंग सुनाई बैठा है। तो महाराज कहिंदे ने क्यों? कहिंदे ने ये नहीं सुनना चाहिए जी इन्हां नूं। तो सतगुरु कहिंदे चंगा भी रबाबी सिखो, ना ना सुनायो। नाल गुरु साहब ने कहा, यह जिन्हें तर्क किया इहनूं साडी इजाजत तो बिना किले चों बाहर नहीं निकल देना, इहनूं घर नहीं जाण देना। तो नाले वो बड़ा खुश हो गया सी, महाराज नूं राय दित्ती साडी मान ली। तो याद रखियो जे एक दो राय मान लो तो बंदा अपने आप जो उस्ताद बनाता, फिर तुहानू रोज़ ही राय देने लग पैंदा, फिर बंदा खेड़ा छड़ांदा भी एक दिन पुछ ते लिया उहने खेड़ा किवें छुटेगा इहदे तों। वो अंदर दी कोई बन गई, महाराज ने मेरी मान ली। कुछ कु दिन तो खुमारी जी चढ़ी रही, हौमे हौमे प्यारो, ये तो नशे ही एडा भैड़ा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे आ बंदे नूं कोई बीमारी लगी होवे, मरे तो कहिंदे चलो बीमारी तो छुट गया, एडी भैड़ी बीमारी है शरीर डब्बे सड़दा अगले जन्म फिर अपड़ जाती है।
निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी होमै मैल ना जावे। हुण 5-10 दिन जदों लंघ गए तो कदी पुत्र चेते आए, कदी मां चेते आए, उन्हूं जिन्हें तर्क किया। यह 100 साखी च बचन है, साखी दे विच है। तो उहदे विचों जदों जान लगा सिखां ने कहा ना तू नहीं जा सकता, महाराज ने तेरे लिए पाबंदी लाई है। रात नूं रोना शुरू करता जदों न्याणे चेते आउण। घर दे जी हजूर ने इस रोंदे नूं फिर कोल बुला लिया, कहन लगे पुरखा तू उदन तर्क किया सी, गोपी चंद की साखी सुनांदे आ, तर्क तू ही किया सी ना, क्या सी? कहिंदे जी हाँ हजूर। कहिंदे ने ओ तां राज भाग छड़ के गया ते वापस नहीं तुरिया, तू तां न्याणियां कोल चले भी जाणा ते 4 दिनां तेरी बस हो गई, तू रीस उहदी करदा पिया सी। गुरमुखो सच जे प्रैक्टिकल कमाना बड़ा मुश्किल, गल्लां करनियां दुनिया विच सो। मैं तां बेनती कर लगा, आई पंथी सगल जमाती, मन जीता जगजीत शब्द है जोगी दा। मैं आवां गुरु तेग बहादुर साहब ते, उन्हें जी जान लगा करो मां बड़ी चंगी सी, गोपी चंद की मां ने जो असी पढ़िया उन्हें 3 गल्लां कहियां वे मेरे पुत्र जोग कमाउण चलिया। एक तां किले तो बिना रात ना किते सौवीं, बार किले च ही सौना है। दूजी गल मखमली सेज तो बिना सौवीं ना, किले विच रही मखमली सेज तो बिना ना सौवीं। ते तीजी गल 36 प्रकार दे भोजन तो बिना कुछ खाई ना। वो चलदियां मां को रुक गया, कहिंदा मां सब कुछ छड के चलिया, मेरे लिए किले ते मैं छड दिते, सेज छड दिती, मैं खाने छड़ दिते, कौन जंगल च कौन? वो कहन लगी पुत्र मैं रमज पाई है, बुझारत पाई, तू समझ ही नहीं। कहिंदा मां मैनू समझ नहीं पई। कहिंदी बेटा चेते रखी, किले विच पए हुए बंदे सेफ हुंदे आ, सुरक्षित हुंदे आ, उन्हां नू चोर डाकू नहीं पैंदे, वो लुटे नहीं जांदे। महाराज किला, मां किला? कहन लगी कल्ला ना तुरिया फिरी, अपने तो वध साधना करन वालियां दी संगत विच रही, इबादत वालियां दी संगत इक किला हुंदी है, जे उत्थे बैठा रहेगा ते तेरे मन नू वासना दे चोर लुटणगे नहीं। संगत विच इक किला है संगत, सत संगत दे किले चो बाहर ना निकली, कोई लुटेरा तेन लुटेगा नहीं। कहिंदा मां गल ठीक। कहिंदा फिर भोजन तुसां कहा भी 36 प्रकार दा? कहिंदी पुत्र जोग मत च घर घर मंगदे आ, तू जीव दा चस्कोला ना बन जाई, भुख लगे ते खाई, भुख लग्या सुक्की मिल जाओ भी 36 प्रकार दा भोजन बन जाती है। कहिंदा मां भी दुरुस्त। ते तीसरी गल तुसी मैनू कहिए भी मखमली सेज ते सवी, कहिंदी यादा खाई ना, भुख लगे खाई। उंज वैसे महाराज ने दस्या, मैं पिछले दिन कह एक स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहिब दा, उहदे च गुरु अमरदास दे वार्तक बचन लिखे, उत्थे लिखिया है गुरु अमरदास दा, गुरु अमरदास जी का आखना है अन्न भुख लगी जीवना, भरे ते भरना नाही। जीवना दर्द हुंदा खाना, कि गुरु जी गुरु अमरदास जी का आखना है अन्न भुख लगी जीवना भरे ते भरना नाही, सौना तां जे नींद आवे बहुता सौना गाफल ताई है, अके नाम जपना अके गुरबाणी पढ़नी अके गुरु कियां गल्लां करनियां। किड्डे कमाल दियां गल्लां ने जी। वो कहिंदा मां मखमली सेज, उत्तर दिता पुत्र जदों गूढ़ी नींद आए उदों जे सच्ची मुची तू मिट्टी ते भी पै जाएगा, पत्थरां ते भी पै जाएगा, वह भी मखमली सेज बन जाएगी, मैं तो तेन रमज पाई है, बुझारत पाई। इतने गुरु जी कहते हैं आई पंथी सगल जमाती, मन जीता है जगजीत, पर जेडे तू धारण करी बैठा, यह भी गुरु नानक साहब का वचन है, जोग ना खिंता है, जोग ना खिंता, जोग ना डंडा, जोग ना भस्म चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूंड मंडाए है, जोग ना सिंगी वाई है, अंजन वाहे निरंजन रही है, जोग जुगत आ तरीका ही तेरे जोगी बनता, जोग जुगत हो पाई है, गली जोग ना होई, एक दृष्ट कर संसार जाने, जोगी कही है सोई।
इथे आई पंथी सगल जमाती मन जीता है जगजीत मन जितया गया यही तो जितते नहीं जाता जिनी बेइज्जती ये करांदा रहे रब का ना ये जितया जाए तो सरदार ना जितया जाए तो रोल के रख देंदा जेड़े जित लेंदे ने बादशाह बन जाते हैं जिन्हों का जितया नहीं जाता वह बादशाह बन के भी मंगतियां की तरह लोगों दी जेबां कट्टी जाते हैं जिहड़ा जित गया आई पंथी सगल जमाती मन जीता जगजीत अगली पचन जोगी आपस बोलते सन अलख निरंजन आदेश गोरखनाथ नूं आदेश बाबा जी कहिंदे आदेश तिसै एक ओंकार नूं जोगी नूं नहीं नाथ नूं नहीं आदेश तिसै आदेश तिसै किस नूं जी आद जिहड़ा सब दा मुढ है अनिल अनिल दा अर्थ वैसे पवित्र भी कीता गिनती तो रहित कीता असल च इहदा अर्थ है जिहदा रूप रेख रंग कुछ भी नहीं आद अनिल अनाद जिहदा आद किसे नहीं जिहदा अनाद है आद ही नहीं हैगा अनाहत जिहदे टुकड़े नहीं जिहदी खत्या नहीं की जा सकती उहनू नमस्कार करनाथ आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेस हर जुग च इको जैसा है। मैं थोड़ा जिहा जोर तां दिता क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज अज कह रहे आ आप जी ध्यान दिया जिस बचन वल के ते जोगी को जुगत ना जानो उस जोगी नू समझो जीवन जीण दी जुगत ही कोई नहीं तरीका ही कोई नहीं कौन जी लोभ मोह माया ममता फुन लालच मोह माया दी पकड़ ममता दर थे पकड़ महाराज कहिंदे जे कट माहे पछानो जिस घट विच ये चीज कह लालच कह मोह कह ममता कह वह जोगी है इन्हें जोग जोग कमाने का तरीके नहीं हुंदा रहा हो। हे गुरु तेग बहादुर साहब जी आप जी फिर समत बख्शो कौन हुंदा जोगी ये पहलियां तुका सन अजोगी दियाँ जिहड़ा जोगी नहीं तो जोगी कौन कह गुरु जी कहिंदे ने पर निंदा उस्तत ने जा कह असल जोगी कह जिहड़ा पराई निंदिया कदी नहीं करता। गुरु तेग बहादुर साहब के जिदन के शब्द पढ़ रहे हैं मैं एक बार कहा शब्द रिपीट हो रहे हैं सिद्धांत रिपीट हो रहे हैं तो मैं ये आपको तीजी बारी इस जगह कह लगा पराई निंदिया जिड्डा पाप दुनिया च कोई नहीं जे सच जे उंज रहत मर्यादा जी साडे पढ़ते हो दे वेता नहीं लिखिया ना पराई निंदिया नहीं लिखिया बाणी पढ़ो गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब जिन्ना बज्जर पाप विचार दे पराए तन दे उन्ना वड्डा पाप पराई निंदिया दा है। हुण अगला सवाल उठदा जी असीं सच नूं सच ना कहीए मैं कहना जरूर कहो पर सच नूं सच तां कहो जे आप भी सचो कमाया होया है। मैं तो कमाया नहीं मैनूं पता लग गया मेरे विरोधी तो गलती हो गई तो वेखो साडा सुभाअ कि हो जाए अपने तो गलती हुंदी तो तुकां लभ लैंदे आ ए महाराज जी हम अपराधी सद भूलते तू बख्शन हारे कही जाने जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते उगण मारे दूजे तो हो कहिंदे कीमा कीमा करके चक्की च पी दे तो गलती को हुई है इस तरह ना जी दूजे तो गलती होवे उन्हूं कोई माफी नहीं। गुरु तेग बहादुर कहिंदे आ जेड़ा जोगी किसे दी पराई निंदिया नहीं करदा निंदिया हमेशा ईगो चो पैदा हुंदी है जदों मेरी मैं कह ये मैं सरल जे तरीके दा मेरी मैं कह मैं दर समझ गया मेरी होंद मेरी मैं दे बराबर कोई दूजी मैं उठदी है मेरे बराबर कोई उठदा उस विचो फिर एक चीज़ पैदा हुंदी है हंकार नूं सट वजदी है मेरे बराबर कोई उस हंकार विच बंदा फिजिकल तौर पर कुछ नहीं कर सकता फिर ईर्षा विच आया उहदे अक्स नूं उहदी परसनैलिटी नूं उहदे जीवन नूं लोकां विच बदनाम करन दे लई फिर वह जिहियां गल्लां वरदा गुरु तेग बहादुर कहिंदा ना होए तू जोगी बने नहीं जिहड़ा निंदिया दे रस भिजा पिया है। निंदा महाराज ते तू तकिया निंदा भली किसै की नाही मनमुख मुगद करां पुराने गुरसिख पुरातन जी रामकली की वार का पाठ करते होंगे सन जिहड़ी सत्ता बलवंड वाली है ना नौ करता कादर करै क्यों बोल होवै जो खीम दै ये अमृत वेले इनान करदे दा पाठ करना मैं ये नहीं कि किसी से ठोस रहा भी नितनिम का हिस्सा है नितनिम का हिस्सा सा सारा गुरु ग्रंथ साहिब ही जिन्नी बाणी पढ़ लो तो किसी पुछया जी तुसी क्यों रोज़ बोल के पढ़ते हो
उन्हां गुरमुखा कहा जिन्हां ने वार उचारण कीती सी माया दे प्रभाव हेठ एक गुरु निंदिया कर बैठे। उस निंदिया करके कौन चल गया? जदों गुरु की सिफत कीती ते रोग तो मुक्त हो गए। मैं रोज तां पढ़ना दाता, पता नहीं किन्निया कु दी निंदिया मैं रोज करना, मैनू बख्श दे। जोगी ओवे पर निंदा, पराई निंदिया ना करे। ते गुरमुखो जे साडे घरां च, साडे गुरुद्वारियां च, साडियां जथेबंदियां में कहां, साडियां संप्रदावां च इस भैड़ी बीमारी का नाश हो जाए तो सच्ची मुची सचखंड बन जाएगा। ये भैड़ी एडी बीमारी है कि खेड़ा नहीं छड़ती। पर निंदा उस तत् अपनी खुशामद करानी। मैं एक बेनती करा, एक पाठ कर दें, एक बचन आया उंज। वैसे चलो आपो अपने तरीके ने, जेडे सज्जन आप कई सालों तो पाठ कर रहे हो ना सहज पाठ, अर्थां वाला पाठ भी जरूर करो। जिहड़ा भी टीका आपनूं मिलदा है जरूर पाठ करो। एक बचन आया, पर निंदा पर मल मुख सुधी अग्न क्रोध चंडाल। ये गुरु नानक साहब की तोक है, पर निंदा पर मल। मैं अर्थ कर देना, यदि करीच ना करियो। कहिंदे ने किसे दी निंदिया करनी उहदी गंदगी नूं खाणा है। ये तुसीं देखियो अपने फोनां च पढ़ लिओ भावें, पर निंदा पर मल, पराई मैल, पराई गंदगी, पर निंदा पर मुल मुख सुधी, सुधी सारी दी सारी वह गंदगी खा लैनी है। पराई निंदिया है ना सिखा भुल के ना करनी। इतों तक कई बार निंदिया कर दिया करदे शुभ कर्म सड़ जाते होंगे। हजूर कहिंदे ने जोगी हो वे जिहड़ा पराई निंदिया नहीं करता, झूठी खुशामद नहीं कराता। उस तत कराए भी मैं बड़ा चंगा वा, मैं बहुत आनी गुरमुखो। बंदगी करने वाले अपनी उस तत तो बहुत गुरेज करते हैं। इबादत रब की बंदगी रब की होवे, पर निंदा उस तत ने जाकर कंचन लोहो समानो। ओदे सामने सोना ते लोया एक बराबर है। ओदी सुरती नू सोना प्रभावित नहीं करता ते लोहा टेंदी कला च नहीं जाता। जोगी वो है। ये क्यों क्या? उस वेले जदों जोगियां नू पिटावां नहीं सन लोग देंदे, ये लोग श्राप देन लग पए सन। हाँ जी, इन्हां श्राप देने शुरू करने। मैं 5-7 मिनट सिर्फ तुहाडे लैणे ने। प्रबंधकां नूं बेनती करांगा कि मैं अर्थ कर सकां। इत्थों तक तुसीं हैरान होवोगे, जिवें बंदे नूं अज पैसे नाल खरीदणे आ ना, इह कल्ला इन भारत नहीं पूरी दुनिया चेते रखियो। जिहड़ियां ए मंदियां वासनावां ने ना, इह सारिआं दी इक्को जिही हुंदीआं ने। कुकर्म तां इक्को जिहा आ। गुरु ने कहा असं गल बढ़ात्या कमाहे। असी पढ़ने जदों कई बारी की करदे आ, जिवें अजकल पैसे नाल, दौलत नाल, पदवी नाल बंदे नूं खरीदिया जांदा। इस करके भी इहनूं अपनी ताकत नाल खरीद लो, अज तो बाद साडे मुताबक चले। मैं जदों अज सवेरे शब्द पढ़ रहा सां ते मैनूं गुरु नानक साहिब दा वचन चेते आ गया। हजूर जदों सुमेर ते गए ते महाराज दी आरबला जोगियां दे सामने थोड़ी सी, वह कई कई सौ साल जोगी। उंज वैसे किताब है अंग्रेजी द लिविंग टू द हिमालियन सेंट्स, पढ़न वाली है। पर याद रखियो पढ़ना तां जे पाठ किया होया, तो नहीं तो लोग भरम जाते। किताब च करामातां बड़ियां दित्तियां। उस विच जदों हजूर ने तर्क दिते, रूहानियत कीर्तन, जोगी झुके नहीं, अंदरों झुके ने जाके बटाले। उत्थे उन्हां दे मन च भी इन्नी हाजिर जवाबी, इन्ना रूहानियत च पहुंचिया, साडियां समाधियां सैकड़े सालां दियां, इह जदों बोलदा ते अंदर नूं ठंड पैंदी। इक कहिंदा इक कम करो, इहनूं अपने च शामिल कर लो, साडे पंथ दा बड़ा प्रचार होवेगा। जिहड़ा साडा भी जोर लगे, साडी जथेबंदी च आ जाए, साडी च आ जाए। उत्थे फिर उन्हां ने की कीता जी, इह भरमाइए किवें? कई बार कीर्तन सुने उन्होंने, फिर महाराज ने एक खप्पर दिता। तो नाथ कहिंदा जी, सतगुरु ने वह बाल के बच्चा कहिंदे सन महाराज, वह बाल के आ सामने पानी पया है पहाड़ी दे उत्ते, पानी खलोता है नीवी थां ते, पानी भर के लिया। जदों महाराज उत्थे गए प्यारे, उत्थे पानी नहीं सी, उत्थे करामात नाल उन्हां पानी दी थां ते हीरे मोती जवाहरात पैदा कर दिते।
क्योंकि रिधियां सिद्धियां सन जिन्हों गुरु ने कहा रिध सिद्ध अवरा साध ये नाम का स्वाद नहीं देंदियां। हजूर गए चमकते हुए हीरे मोती लाल वेखे ते मुस्करा के वापस आ गया खप्पर रख दिता। नात पुछदा हजूर कहिंदे पानी उत्थे नहीं, वह पुछदे ने है कि उत्थे भाई साहब कहिंदे गुरु नानक साहब एडा वड्डा मर्द सूरमा सतगुरु गए आ चमक तुहाडी इहदा कुछ नहीं विगाड़ सकती। शब्द की गोष्ठी करके गुरु नानक ने जोगियां नूं भी जित लिया है। इहदा मतलब प्रभाव भी पाते ने पैसे दे भावें करामात नहीं, वह पूरी पौड़ी है। सिद्धी मने बिचारिया किवें दर्शन ए लेवै बाला, ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करियो जियाला। खप्पर दिता नाथ जी पानी भर लैवन उठचाला, बाबा आया पानिया द्वेखे रतन जिवेखर लाला, डिठे रतन जिवेखर लाला, सतगुर अगम अगाध पुरख केड़ा झले गुरु दी चाला। ये टक्कर कि तुम लेंदे पे भाई जी ने अपने को तुक ली, सतगुर अगम अगाध पुरख केड़ा झले गुरु दी चाला। फिर आया गुर नाथ जी इत्थे विश्राम लाना, गुर नाथ नहीं करना पाठ। फिर आया गुरे दा मतलब गुरु जी वापस आ गए, नाथ जी पानी ठ्योड़ नहीं उस ताला, शब्द जीती सिद मंदली कीतो सपना, पंथ नराला कलयुग नानक नाम सुखाला। महाराज कहिंदे होए तुसी जोगी हो, तुसी आ चमक दे पत्थर विखा के तुहाडी सुरत अजे पत्थरां दे गुरी है, तुसी नाम रस नूं नहीं जाण सकदे। इत्थे सतगुरु कह रहा कि जोगी वह भी जिहड़ा पराई निंदिया नहीं करता, पराई उस्तत भी नहीं करता, क्योंकि निंदिया हमेशा ईरखालू करेगा, उस्तत हमेशा लालची करेगा हिरसी। महाराज कहिंदे ने पर निंदा उस्तत ने जाकै कंचन लो समानो। फिर अगला जी जोगी कौन, हरख, इहदा अर्थ है खुशी, सोग फारसी का शब्द है, चिंता दुख। हरक सोग ते रहे अतीता जोगी ताहे बखानो, उनू जोगी कहो जड़ा ना उस्तत करे ना निंदिया करे, सोना ते लोहा बराबर जाने, हरक ते सोग तो नरलेप रहे। महाराज कहने उनू जोगी कहो जी। अगा अगली कौन जोगी, कहने चंचल मन दह दिशको तावै तावत। आ मन जड़ा चंचल इसी बैठे ना इत्थे सच्ची इहनू पुछ के वेली किन्नी वारी घूम घम के बाहर आ गया, कितने कितने जाया, कईयों चंगा कहया किसी मंदा कहया, कई मेरे बारे सोची जाते होने, क्योंकि मन का सुभा है ना मैं भी सोची जावांगा। कहने जिसने ये जड़ा दसी पासी मन दौड़द चंचल मन दह दिशको तावत अचल, यदा पाठ अचल नहीं करना, अचल करांगे तो अर्थ नहीं होणगे। असल च शब्द चल, चल का अर्थ है चलाए मान, जिहड़ा तुरिया जा रहा है ऐड़ा अगेतर लग गया। अचल अचल का लफजी अर्थ है जिहड़ा चलाए मान नहीं, जिहड़ा टिक गया। सानू जाप साहब की जदों संत्या कराई, मैं किसी ते तर्क संग पाठ कराया सी कि अचलंग अचलंग जो चलाए मान नहीं टिक गया। इत्थे गुरु जी कहिंदे ने जिहड़ा मन दसी पासी दौड़द वह मन जिन्हें टिका लिया, चंचल मन नूं टिका लिया, मेरा गुरु तेग बहादुर कहिंदा सच जोगी ओ जे, क्योंकि टिकदा कोई नहीं। एक ग्रंथ है वेदांत दा, उहदे विच ना मन दी अवस्था दसी है, मैं थोड़ी जी उहदा अनाथ उहदा नाम है लिखण वाले दा, वह कहिंदा दल दल पात पात का पट दामन कच्छप मात, भूत दीप दीपक सखा ये मन बिरत अनाथ। अर्थ मैं थोड़े कर देना, दल दल पात, दल दल कहिंदे ने पिप्पल नूं, जिहड़ा अपना पिप्पल हुंदे ने, जिन्नी मर्जी हवा खलोती होवे तुसीं ध्यान नाल पिप्पल दी टीसी ते देखिओ उहदा पत्ता थोड़ा जिहा हिलदा जरूर होवेगा। चंचल कहिंदा दल दल पात पात का पट, निशान होवे झंडा होवे तकरीबन बहुत उच्चा, पतला कपड़ा होवे जदि याद रखे उहदा विच भी कंपन, जिहनूं कहा जे हवा बड़ी रुकी है वह भी हिलदा रहेगा। दल दल पात पात का पट दामन कच्छप, दामन दामनी, दामनी मतलब बिजली, जदों बिजली चमकदी बदल तो कदी टिकदी देखी, चंचल है ना, एक खिन दिसी अलोप होगी। कच्छप मात, कच्छप दा अर्थ कछू, आ कछू कुम्मी दे सिरी देखियो, पहला बाहर कढ़ी लत्तां बाहर कढ़ियां,
एक खिन नेड़ो लंगो इन्ना चंचल अपने आप अंदर खिंच लेगा। फिर बार कह लगे ये मन पिपल दे पत्ते की तरह हिली जाता है, यह झंडे दे कपड़े की तरह हिली जाता है, टिकदा नहीं ना, यह बिजली की तरह छोला चंचल है, एक कछु कुमे दे सिरी की तरह दल दल पात पात का पट दामन कछप मात भूत दीप, यह भूतां की अग है। पुराने लोग कहते सन इतने लागी इतने लागी, पता ही नहीं। दीपक सखा दीपक सिखा सिखा दर्द चोटी दीवा बालो, तो भावें उन्होंने तुम बेसमेंट च रख लो ना, जो बुआ खोलोगे वो बत्ती हिलती होगी, थोड़ी थोड़ी हिलेगी। कह लगी जे मन बिरता नाथ परमात्मा, ये मन इस तरह हिली जाता है, टिकती कोई नहीं, आराम ही कोई नहीं। बाकी तो सारे कहेंदे डॉक्टर भी कहेंदे 7 घंटे समय नूं किहड़ा समझाए, ये तो सुत्या भी काम करी जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदा जिहदा मन टिक गया, जिहदा मन खिंडदा नहीं, तो सच ये गुरु तेग बहादुर साहब की यह अवस्था है। गुरमुखो मैं उस दिन कहा सी, मैं 2 साके शब्द वरते हैं जी ट्रेसी गुरु कर, उंज साके दर्थ कला मरना नहीं हुंदा, घलूकारे दर्थ मरना है। घलूकारे का अर्थ असीं कहिंदे वड्डा घलूकारा छोटा घलूकारा जून चारे बैटन सिंह आ 84 वाला, असीं घलूकारे दा अर्थ हुंदा सर्वनाश तबाही ते बर्बादी, इहदे सीधे अर्थ इह ने घलूकारे दे। हिंदी च इहनूं गाला गाली कहिंदे। उंज जिहड़ा साका हुंदा है इहदा अर्थ हुंदा है कि हिस्टरी विच वापरी हुई वह घटना जिहड़ी समा लंघण तों बाद भी अपने अर्थ मुकम्मल रखदी होवे, उहनूं साका कहिंदे। मैं बेनती की गुरु तेग बहादुर साहब जी का अंदर किन्ना कु टिकया है, अकंचन लो उस्तत निंदिया, एक खिन मात्र भी वासना का फुरना नेड़े फटकदा ही नहीं। जिन्नी सिमरन च एकाग्रता चाहिदी है उन्नी शहादत च एकाग्रता चाहिदी है, क्योंकि एकाग्रता तो बिना सिमरन नूं भाग नहीं लगना, ते अंदर दी एकाग्रता तो बिना अडोल हो के जुल्म दे खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती। उत्थे भी ओही साका वापरे जिहड़ा बाबा बकाला साहिब होया। गुरु तेग बहादुर साहिब कह रहे हैं कि चंचल मन दह दिश को धावत अचल जाहे ठहरानो कहो नानक ए बिद को जो नर, जिहदी आ जिंदगी है इस तरीके नाल जिहड़ा जी रहा है, मुक्त ताहे तो मानो उस जोगी नूं मुक्त कहो, उदी बंद खलासी हो गई है। मैं बेनती करा गुरसिख भी जोगी है, उंज जोगी दा लफ्ज ही अर्थ जुड़िया होया, ए शब्द बनया जोग, लफ्ज जुज जुज तो बनया जोग, जोग दा अर्थ जोड़, ते जोगी दा अर्थ जिहदी आत्मा रब विच जुड़ गई है, मिलाप हो गया। थोड़ा जिहा ध्यान दिया जी, गुरसिख जोगी है, इन्हें मुंदरा पाईया ने किन केड़ियां मुंदरा, गुरु साहब भाई साहब कहिंदे गुरसिख जोगी जागदे माया अंदर करन उदासी, कन्नी मुंदरा मंत्र गुर संतां तोड़ बिपूत सोलासी। गुरसिख जोगी ने वो जागदे ने माया च निरलेप रहिंदे, जोगियो तुसीं कच दियां मुंदरा पाईयां ने, वो संगत विच बहिंदा जदों वाहिगुरु गुरमंत्र कन्न च पैंदा उहने गुरमंत्र दी मुंदर पाई है, वाह करदे ने संतां तोड़ बिपूत सोलासी। तुसीं बार साल सवाह लांदे हो उन्हें बंदगी वालियां दे चरणां दी तोड़ उन्हूं सवाह लई, गुरमुखां ने पाठ रखाया संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वालियां दी याद विच। मैं क्योंकि सबजैक्ट ए सी, उन्होंने बड़ी सेवा की, आप संगत नूं पता होना है संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले ते बाबा प्रेम सिंह जी होनी गुरपाही ने एक जगह बाबा बिशन सिंह जी मुराली वालियां को इन्हां दी सेवा कदी तुसीं देखियो, क्योंकि उस अस्थान दी जिहड़ी महंती है, महंत दे लफ्ज माड़ा नहीं जी, महंत दा अर्थ हुंदा जिहड़ा बहुत उच्चा है, वह बाबा प्रेम सिंह जी हुणां नूं मिली सी। बाबा सुंदर सिंह जी बाहर प्रचार करते सन, बाबा प्रेम सिंह जी आप कीर्तन करते सन, गुरमुख उस वक्त डेरे च अमृत वेले उठन तो पहला सारियां टूटियां आप साफ करके पानी भरदे हुंदे सन, अपने हत्थी चक्की नाल आटा पी के संगत की सेवा करनी, ते पंथ की सेवा च बहुत वड्डा उन्हां दा योगदान है।
जिन्हों भुलाया नहीं जा सकता, उन्होंने भी आप सारे जून के महीने उन्हों की याद आती है। गुरसिख वास्ते ऐसे गुरमुख महापुरखों के चरणों की तोड़ ही विभूत बन जाती है। अगे भाई साहब कहते हैं, गुरसिख योगी जागदे माया अंदर करन उदासी, कन्नी मुंदरा मंत्र गुर संता तूड़ विभूत सोलासी, खिंता खिमा हंडावनी। वो खिमा की गोदड़ी पा के रेंदे आ, कोई भी कह दे वह वैर नहीं कमाते खिमा च। गुरमुखो कदी तुहाडे सब ना वापरिया, सब ना वापरदा, मन बड़ा है ना जो धक्का हुंदा ते कहिंदा मार दे छड़ना नहीं। परिवार च भी मेरे ना आ कुछ होया, मैं कहना एक वारी अकर्तापुणा पे पैदा कर ली, अकर्ता दा अर्थ मैं कुछ नहीं करन वाला, करते ते छड़ दिए, समा पा के रब हर एक का जवाब देंदा हुंदा। उन्हां खिंथा की खिमा पाई है, उन्होंने ज्ञान ध्यान नूं अपना आधार बनाया। गुरसिख भी योगी ने, अज सतगुरां ने कहा भाई सीधी गल ए, कबीर साहब का अखीरला श्लोक है, जे गृहस्थी बने तो धर्म कमाई, जे गृहस्थी बन के कहना मैं नहीं बनना बैरागी बनना है तो फिर बंदगी करी, जे तू घर भी छड़ दिता बैरागी भी बन गया तो फिर तेन फिर भी लालच पै गया, हाए मेरे इन्ने डेरे, हाए मेरा इन्ना बैंक आउट। कह लगे इदू चंगा न्याणे जम के पाल दूँ, घट्टो घट तेरा भला हो जाता। उन्होंने सखीरला सलोक कबीर, जो ग्रह करे तो धर्म कर, जे गृहस्थी बने तो धर्म कर, नहीं तो कर बैराग, जे नहीं तो फिर बन जा बैरागी। बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग, जड़ा अपने आप नूं कह हम तो दुनिया से निर्लेप हैं, मेरी तो चोले च जेब भी कोई नहीं, तो बैंक सारा रुपया नाल भरिया होवे, जेब च की पाने लोड़ है, जेब कोई कट के लै जूगा उत्थे, कि कटनी कोई नहीं छेती। वह कहिंदे जे बैरागी बनना है ना, फिर बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अपाग, एदू वड्डा बद किस्मत कोई नहीं जिहड़ा घर भी छड्ड दे ते माया दी पकड़ तू ना छड्डे। इस नूं गुरु तेग बहादुर ने कहा, जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना ते नर माथ है भाग, जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना ते कट ब्रह्म निवास। वो ही ब्रह्म ज्ञानी है। इनिया कोई बेनतियां प्रवान करियो। दो दिन आप संगत की सेवा में कीती है, सन्मान योग महापुरखों का बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार असीस देंदे ने उत्थे भी। तो मैं सच्ची दसा, मेरे वास्ते कोई भी कमाई वाला, मैं नहीं वेंदा इहदी संपदा की, इहदी जथेबंदी की, हाँ जिहड़ा पंथ गुरु ग्रंथ ते गुरु प्रति श्रद्धा रखदा है, सच्ची मुची मैं उन्हों नमस्कार करना। इस करके आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। कल नूं गुरु नानक प्रकाश भाई सतनाम सिंह जी उन्होंने सारा प्रोग्राम बनाया हुआ है, यही विचार मैं इत्थे कहा सी भी लड़ीवार चलती रहेगी। भाई साहब सिंह सनोजे तो मेरे नाल आए हैं, मैं चाहना 59 शब्द रिकॉर्ड हो जाए कि घर बह के रिकॉर्डिंग नहीं होंगी जो संगत विच कृपा वरती है। कल नूं अगला शब्द है, अब मैं कौन उपाओ करूँ, हुण की करा वाहिगुरु, मैं किवें छुटांगा, मैं बंदगी नहीं की, मैं सिमरन नहीं किया। ये कल नूं दोपहर के दीवान विच 3 दीवान उत्थे ने। आओ सब का धन्यवाद जी।